कभी कभी ना मैं तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ राजवीर। आई मीन तुम इतने क्यूट, इतने स्वीट, इतने इमोशनल और इतने केयरिंग हो, और फिर सडनली तुम एकदम एंग्री यंग मैन बन जाते हो। इतना गुस्सा करते हो कि तुम किसी के कंट्रोल में ही नहीं आते हो। फिर कभी कभी तुम इतने खोए हुए होते हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है पता नहीं किन ख्यालों में खोए हो। तुम ना एक छोटे बच्चे जैसे, तुम्हारे एक नहीं कई रंग है। हाँ है, कई रंग है मेरे, मेरे अंदर एक नहीं बहुत सारे राजवीर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही राजवीर है, और बाकियों के लिए जैसे वो वैसा राजवीर है। तो फिर तुम अगर जैसे को तैसा करना चाहते हो तो तुम इतने क्यूट और इमोशनल वाले राजवीर करण सर के सामने क्यों नहीं बनते हो? उन्हें देखकर ना तुम्हें कुछ हो जाता है। हाँ हो जाता है। क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। आई नो तुम उन्हें नापसंद करते हो, बट देखो मैं उनकी वकालत नहीं कर रही और मैं तुम पर कुछ फोर्स नहीं करना चाहती, बट मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम ये समझो वो जितने बुरे तुम्हें लगते हैं ना उतने बुरे हैं नहीं। उनका दिल सच में अच्छा है राजवीर। बल्कि देखो अगर मैं तुमसे इस वक्त कहूँगा कि मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है तो तुम्हें बुरा लगेगा। अच्छा अच्छा, काम डाउन, रिलैक्स, आई एम सॉरी। ओके, यू नो व्हाट, यू आर राइट, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, और तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तुम्हें बस मुझे कॉल करना है। ओके, टेक केयर, अच्छे से सुनो। बल्कि तुम स्पेशल हो, मेरे लाइफ में तुम्हारी बहुत स्पेशल जगह है, और अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए या फिर तुम्हें कुछ भी बुरा लग जाए तो मुझसे नाराज मत होना, मुझे एक मौका दे देना एक्सप्लेन करने का। है ना, मैं कोई भी गलती की वजह से या फिर किसी गलत फहमी की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहता। वैसे ही लाइफ में बहुत कुछ खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खोना चाहता, तो बस एक मौका दे देना। मैं तुम्हें एक मौका नहीं दे सकती। क्योंकि मैं तुम्हें दो दो मौके दूंगी। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही
थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। थैंक्स कहने की क्या बात है, तुम्हें घर पे तो छोड़ना ही था ना। ओके बाय बाय। क्या हुआ, नहीं खुल रहा? नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बाहर से खोलता हूँ। हाँ खुल गया, कम आओ। मैं क्या सोच रही थी कि आप आइए ना, चाय पिलाती हूँ आपको। चाय? अभी तो पी थी चाय। हाँ पी तो थी, लेकिन वो मेरे हाथ की नहीं थी ना। आपने कहा कि आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है, तो मैंने सोचा कि बना देती हूँ। चाय तो मैं पी लेता, लेकिन अभी इस वक्त अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो हो सकता है कि राजवीर को ऑड लगे, उसे अच्छा ना लगे। अरे राजवीर का ही फोन है। अरे कितनी लंबी उम्र है इसकी, अभी याद किया और अभी फोन भी कर दिया इसने। यही पूछ रहा होगा कि मैं कहां तक पहुंची, I know. घर कब आऊंगी, फिक्र कर रहा होगा। ऐसा एक बात कहूं प्रीता, तुम लकी हो कि राजवीर तुम्हारे साथ है। सच में लाखों में एक है, इतना ध्यान रखता है तुम्हारा। He's a gem. I know. चलो ठीक है फिर, तुमसे बाद में मिलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है जाती हूँ। अजीब है ना ये जिंदगी, हम दोनों एक ही हैं, रिश्ता है, नाता है जो प्यार ने जोड़ा है, पर किस्मत ने भी कहां लाके छोड़ा है। तुम यहां मैं वहां, रिश्ता ऐसा कि अब जुदा हो जाएंगे प्रेम और फिर पता नहीं कब मिल पाएंगे। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आँखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसाती। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। अरे 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 तू कहाँ जा रहा है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर। माँ मैं आराम करके बहुत थक गया हूँ, और मैंने आपको कितने कॉल किए, आपने मेरा एक कॉल नहीं उठाया। आप तो हॉस्पिटल गई थी ना, आपको तो कब का आ जाना चाहिए था, आप इतनी देर बाद क्यों आ रहे, क्या हुआ, कहाँ थे आप? हाँ थोड़ी ज़्यादा देर लग गई, लेकिन तू मेरी टेंशन मत लिया कर, वो देर हो गई थी तो करण ने खुद मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। वो करण सर तो वो शौर्य को वो जेल से छुड़वाने गए होंगे ना। माँ देखिए आपने आप उनसे दूर रहा कीजिए, वो आपकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबत लेकर आएंगे और कुछ भी नहीं। आप प्लीज उनसे मत मिलिए इसके बाद, आप मत मिलना इसके बाद प्लीज। कैसी बातें कर रहा है राजवीर, मुसीबत के सिवाय कुछ नहीं देखा क्या तुझे? पता नहीं है कि जब हम मुसीबत में थे तो उन्हीं ने हमें बचाया था। अरे कोई बचाया नहीं उन्होंने आपको, उन्होंने सिर्फ आपको रुलाया है, आपको सिर्फ मुसीबत में डाला है और आपको कहां से कहां पहुंचा। क्या बोल रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, बस कह दिया तो कह दिया। देखिए ना माँ, उनकी वजह से आप कभी यहाँ तो कभी लूथरा हाउस, मेरी माँ तो कहीं खो गई है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है माँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अच्छे हैं ना तो आपको सब अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, मैं कह रहा हूँ। राजवीर एक मिनट, अब तू हद पार कर रहा है, कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा तू उनके लिए, तू जानता क्या है, तू कैसे बोल सकता है कि बुरे हैं? अरे माँ आप नहीं जानती है करण लूथरा को। बस कर जा तू, अगर तू करण के बारे में कुछ गलत बोलेगा ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और ऐसे कैसे बोलता है तू हमेशा, ऐसे संस्कार दिए हैं तुझे, बड़ों की इज्जत करना सिखाया है ना, उन्हें बेइज्जत करना नहीं सिखाया है। जब मैंने कह दिया कि मैं करण को जानती हूँ और मुझे पता है कि वो अच्छे हैं, तो मान ना अपनी माँ की बात कि जानती हूँ मैं उन्हें और वो अच्छे हैं,
तो ऐसे बात मत कर जैसे मैं करण को नहीं जानती। लेकिन माँ मैं इनफ, कल सुबह लेनी है तुझे ये दवाइयाँ, तो कल सुबह बात करते हैं। सर पानी लाऊं आपके लिए? नहीं गिरीश, रात बहुत हो गई है, मैं थक गया हूँ, तुम जाओ और सो जाओ। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। तुम भी जाके सो जाओ, रात हो गई है। हाँ रात बहुत हो गई है ना, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, घर में भी सब सो ही रहे हैं, किसी को स्ट्रेस नहीं है ना। स्ट्रेस तो मुझे है ना कि शौर्य जेल में है, बाकी सब तो सो ही सकते हैं, है ना? किसने थे? अब और नहीं, पूरा दिन हमने इस बात पे झगड़ा किया है, बहुत थक गया हूँ मैं, सोने जा रहा हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। सीरियसली करण, अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? करण आई डोंट यू अंडरस्टैंड, व्हाई हैव यू चेंज सो मच, इतना क्यों बदल गए हो तुम? यू आर द करण लूथरा, द स्मार्टेस्ट, द रिस्पॉन्सिबल वन, जो फैमिली में किसी को इतना सा भी कुछ हो जाता था ना तो उसकी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती थी। आज करण तुम्हारा बेटा शौर्य जेल में है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो उसके लिए। सी करण, आई नो शौर्य से पहले भी बहुत बार गलतियां हुई हैं, तुम्हें याद है वो जब रोड पे उसने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी या फिर कॉलेज में उसका झगड़ा हुआ था, तुमने बचाया था ना उसे, तुम उसको आज तक प्रोटेक्ट करते आए हो करण, तो आज क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम उसको? तुम्हारे मन में ना जो आ रहा है वो तुम भूले जा रही हो, तुम्हें रियलाइज हो रहा है तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो? सोच रही हो एक बार भी तुम्हें पता है कि शौर्य जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि पहले ना वो गलतियां किया करता था, जब वो स्कूल में था कॉलेज में था तो मैं प्रिंसिपल से जाके इंस्पेक्टर से जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लिया करता था कि प्लीज बच्चा है जवान खून है, आपस में झगड़े होते हैं, उनको भी रियलाइज होता था कि जब वो भी छोटे थे जब वो भी जवान थे ऐसे लड़ा करते थे, बाद में नहीं लड़ेंगे इसलिए वो उसको माफ किया करते थे, छोड़ दिया करते, फिर वो गलतियां करते 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 वो गलतियां क्राइम में बदल गई। जब उसने फुटपाथ पर सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चलाई ना तो वो गलती नहीं थी वो क्राइम था, उसके लिए मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ा, इसलिए मैं और ऋषभ मिलकर उनके पास में गए, उनके लिए पक्के घर बनवाए ताकि अगली बार वो फुटपाथ में ना सोए। आई हैड टू पे द प्राइस, समझ रही हो? तो मैं उसके लिए हर बार खड़ा रहा हूँ। समझ रही हूँ और एग्जैक्टली यही मैं भी बोल रही हूँ, शौर्य को जब भी जरूरत पड़ी है उसके लिए तुम थे, तुम उसे प्रोटेक्ट करते आए थे, तो आज क्यों नहीं? क्योंकि पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है, तुम समझ रही हो बात को? प्लीज अंडरस्टैंड, जमीन आसमान का तब वो गलतियां थी, अब वो प्योर क्राइम है, कानून पहले बीच में नहीं था लेकिन अब बीच में खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज है कि वो चाकू लेकर अंशुमन पांडे के पीछे भाग रहा है, पूरे सबूत हैं पुलिस के पास में। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, अगर उसको रिहा करवाना है तो कानून के रास्ते पे चल के रिहा करवाओ। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा ये सब बातें मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ, तुम समझदार हो सब समझती हो, पता नहीं बार बार तुम एक ही चीज क्यों बोल रही हो। मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम भी जाओ सो जाओ, गुड नाइट। प्रीता को बोला गुड नाइट। प्लीज नेते, डोंट स्टार्ट दिस अगेन, प्लीज रिक्वेस्ट। प्रीता जी कैसी हैं आप? सॉरी मेरे को ऐसे नहीं पूछना था, बस वो मैंने राजवीर को ना आपसे करण जी के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा। टेंशन में तो मैं भी हूँ गुरप्रीति, मुझे तो समझ में नहीं आता राजवीर हमेशा करण को लेके इतने गुस्से में क्यों रहता है, जब देखो करण के खिलाफ ही बात करता है। करण लूथरा प्रीता दी के पति है, पति है, पति है। क्या? रुद्र यानी हमारा राजवीर, वो करण लूथरा का बेटा है, बेटा है। ऐसी भी क्या बात हो गई? सच कहो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी के पीछे इतना भी क्या पड़ जाते हो तुम, इतना के खिलाफ बोलते हो, गलत ही क्या करा है उस इंसान ने, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, स्पेशली तब जब कोई वजह ही नहीं है ना उस गुस्से की। वजह एक नहीं हजार है प्रीता जी, करण जी को राजवीर से प्यार है पर राजवीर को नफरत, क्योंकि उसे आपसे प्यार है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे लगता है कि करण जी ने ये सब किया, इसीलिए वो करण जी से नाराज है। क्या हुआ?
आप कुछ कह ही नहीं रही हैं। नहीं, मतलब यही कि करण जी के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रीता के खिलाफ कोई कुछ भी कहे मुझे गुस्सा आ जाता है, सबको पता है ये वाली बात, स्पेशली निधि अच्छी तरह से जानती है। लेकिन नहीं, कोई भी बात हो रही हो, कहीं की भी बात हो रही हो, प्रीता को उसमें ले ही आती है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मेरी क्या गलती? अब उसकी बातों से आपका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं कहूंगी कि दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन हाँ बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। करण के खिलाफ कोई भी बात करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब अच्छे तो है कितने, हमारे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। पर करण जी तो आपके सब कुछ लगते हैं। क्या मेरा मतलब कि जब हम किसी की फिक्र करते हैं तो वो अपनों से बढ़कर हो जाते हैं ना आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया में कौन किसी के लिए कोई सोचता है। बिल्कुल, तो ये बात राजवीर को भी तो समझनी चाहिए ना। मतलब बिना बात के इतना गुस्सा करना, इतना खिलाफ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करना। करण के खिलाफ कोई और कुछ बोले तो भी मैं ना सुनूं, तो ये तो मेरा राजवीर है, इसलिए मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर पहले तो मैं गुस्सा कर देती हूँ, उसके बाद मुझे उस पर बुरा लगता है कि मैंने इतना गुस्सा कर दिया। ज्यादा तो नहीं डांट दिया मैंने नीति को? नहीं नहीं, जब सबको पता है कि प्रीता के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, स्पेशली निधि, ये अच्छे से जानती है कि वो प्रीता के बारे में कुछ भी बोलेगी तो मुझे गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने के बाद मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा ये मुझे भी नहीं पता। अगर जानबूझ के कोई ऐसी हरकतें करेगा तो मैं उसे डांटूंगा, और डांटने के बाद अगर वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसके पास में जाऊंगा, अपोलोजाइज करूंगा, उससे माफी मांगूंगा, तो नहीं, ये नहीं होने वाला। डांटने के बाद में मुझे पछतावा नहीं होगा। आपने राजवीर को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसलिए अब आपको पछतावा हो रहा है। नहीं, पछतावा नहीं हो रहा है, डांट तो खानी ही थी उसमें, लेकिन अब ये बुरा लग रहा है कि मैंने ज्यादा डांट दिया। पर कोई बात नहीं, मेरा राजवीर है, आज गुस्सा हुआ है कल उसे मना लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी आप दोनों का रिश्ता इतना प्यारा है, इतना प्यार है एक दूसरे के लिए कि छोटी मोटी डांट से फर्क नहीं पड़ता, है ना? है ना? आप टेंशन ना लो, अब आराम करो थोड़ा, ठीक है? समझ में नहीं आया कि राजवीर ने ये कहा कि मुझे करण से नहीं मिलना चाहिए तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया? इतना गुस्सा भी नहीं आना चाहिए ना, कहा तो यही था कि करण से मत मिलना। मुझे प्रीता से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। प्रीता मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, पूरी दुनिया ये बात जानती है, लेकिन बेचारी प्रीता को याद नहीं है ये वाली बात। और निधि, निधि चाहे इस बात को माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ये बात समझनी होगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता का हूँ। बहुत कुछ सहा है प्रीता ने मेरे लिए, जिंदगी से बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब और नहीं, बस बात हो गया। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब और नहीं, अब प्रीता और कुछ नहीं सहेगी, अब मैं हमेशा हमेशा प्रीता के साथ रहूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं।
कोई बचाया नहीं उन्होंने आपको, उन्होंने सिर्फ आपको रुलाया है, आपको सिर्फ मुसीबत में डाला है और आपको कहां से कहां पहुंचा। क्या बोल रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, बस कह दिया तो कह दिया। राजवीर। हाँ क्या क्या कहने वाला था, पहले तू बोल। नहीं नहीं आप बोलिए। कभी कभी क्या होता है ना, तुम कुछ कर तो देते हो लेकिन उसके बाद बड़ी गिल्ट होती है, बड़ा पछतावा होता है कि ऐसा क्यों किया। अब कल मैंने तुझे डांट तो दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे खुद ही बहुत बुरा लगा कि मैंने क्यों अपने राजवीर को डांट दिया। मैं उसे समझा भी तो सकती थी। अब तू क्या कह रहा था कि मुझे करण से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं उसे ठीक से जानती नहीं हूँ। राजवीर पता नहीं मैं तुझे कैसे समझाऊं लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं करण को जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, जैसे मैं उसे सबसे ज्यादा जानती हूँ। सच में? नहीं माँ आप सही है, मैं गलत हूँ, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा जो राजवीर है ना वो मेरे लिए काम करता है। पता है? वो अंशुमन कहता कि राजवीर मेरे लिए काम करता, तो मैंने तो उसे कह दिया मुझे ये सब बातें नहीं सुननी क्योंकि मैं ये सब नहीं मानती। हाँ मैं काम चाहे किसी के लिए भी करूँ लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं जो करूँगा बिल्कुल सही करूँगा। और शौर्य अब इस वक्त जेल के अंदर है, ये बात गलत है। बिल्कुल उसी की गलती है, उसने शौर्य को इतनी बुरी तरह फंसाया है और नहीं नहीं करण को चैलेंज किया है कि वो शौर्य को जेल से बाहर नहीं निकलने देगा। मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो मुझे चैलेंज कर रहा है लेकिन करण ने भी कहा कि वो आज के आज शौर्य को कुछ भी करके जेल से बाहर निकल पाएगा और मैं भी ऐसे चुप नहीं बैठने वाली, जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। अम्मा इसलिए मैं आपके और करण सर के साथ हूँ। क्या सच में? मुझे पता था कि इवेंचुअली तू करण का साथ जरूर देगा। हाँ मैं बस उसका साथ दे रहा हूँ जिसका साथ आप दे रही हैं। मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। अब ऐसे खुश रहते हो ना ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और तुझे खुश देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और एक बार शौर्य लॉकअप से बाहर आ गया ना तो फिर तो हम लोग सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ शौर्य जेल से बाहर आ जाएगा, आई प्रॉमिस। देख मैंने खाना लगा दिया, आजा खाना खा ले। राजवीर मुझे पता ही नहीं चला तुम आ गए। I'm so sorry, ये अपना फेस पोछूं। तुम्हें बुखार हो गया तो सर्दी हो जाएगी, मैं गर्म पानी लेकर आऊं? बल्कि बल्कि रिलैक्स, मैं कोई बारिश के पानी में नहीं भीगा हूँ कि बीमार पड़ जाऊंगा, इतनी बूंदों से कुछ भी नहीं होगा। तुम जब ऐसी सेंसिबल बातें करते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। बल्कि थैंक्स। किस लिए? वो जब मुझे किसी अपने की जरूरत थी और मेरे पास कोई नहीं था तो तुम पास थी, तो मेरे पास रहने के लिए थैंक यू। थी नहीं हूँ और हमेशा रहूँगी। ओके ऐसे कैसा फील कर रहे हो? बेटर फील कर रहा हूँ लेकिन कुछ और भी फीलिंग्स हैं जिसके बारे में सोचूं तो ऐसा लग रहा है कि वो
बेटर नहीं हो रही है। कैसी फीलिंग्स? अगर तुम चाहो तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हो। बल्कि कल रात मां अंशुमन पांडे से मिलने गई थी। ये वो ही है जिसने शौर्य को जेल में डाला।